और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप साहब। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज़ पर। सर, हम मोटे तौर पर ये समझना चाहते हैं कि अगर बीजेपी के पास सिर्फ 104 सीटें ही रह जाए और उसे सदन के भीतर अगर बहुमत साबित करने की नौबत आए, तो सिर्फ 104 सीटों के साथ वो बहुमत कैसे साबित कर सकती है? देखिए, 104 सीट जो आप कह रहे हैं वो इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। जी, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से 104 सीट भाजपा को मिली हैं। उनकी सरकार को कितना समर्थन प्राप्त है ये तो अभी मालूम नहीं है। ये तो जब सदन में विश्वास प्रस्ताव आएगा तभी पहली बार पता चलेगा कि उन्हें कितना समर्थन प्राप्त है। 104 सीट आप कह रहे हैं, उन 104 में से भी मान लीजिए 4 लोग अनुपस्थित हो जाते हैं उस दिन जी। तो वो 100 ही रह जाएंगे, समर्थन वाले 100 ही रह जाएंगे, या उनमें से मान लीजिए 2 उनके पक्ष में वोट मत नहीं देते हैं तो और कम रह जाएंगे। तो ये इलेक्शन रिजल्ट्स को और सरकार की सपोर्ट को एक समझना, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि वैसे भी नियमों के अनुसार जब वोटिंग होती है कॉन्फ्रेंस मोशन पर तो वो होती है बिटवीन दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग जो सदस्य उपस्थित हों और मतदान में भाग लें, केवल उनके बीच में बहुमत का सवाल आता है। जी, अगर मान लीजिए जो उपस्थित हों और भाग लें, हाँ, उनके उनके बीच में आता है, तो उससे भी ये स्पष्ट है कि वो संख्या और इलेक्शन चुनाव के नतीजों की संख्या अलग अलग होगी। अगर मान लेते हैं सर कि कांग्रेस और जेडीएस के विधायक अनुपस्थित हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी बहुमत साबित कर सकती है? मैं आपको वो बता सकता हूँ जो संविधान में स्थिति है, कानून में स्थिति है। मैंने जैसे कहा, जितने लोग उपस्थित होंगे और मतदान में भाग लेंगे जी, वो किसी भी दल के हों, चाहे बीजेपी के हों, जेडीएस के हों, कांग्रेस के हों, सब पर ये नियम लागू होता है। जो उपस्थित होंगे और मतदान में भाग लेंगे उनकी गिनती की जाएगी जी। उसमें बहुमत जिसके साथ होगा, अगर वो जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं उनके साथ होगा तो वो चलेंगे, और उनके साथ नहीं होगा तो उन्हें एकदम जाना होगा जी। ये संवैधानिक स्थिति है।